प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के रविदास मंदिर में इस पुजारी के बीच हुई ये बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि आखिर पीएम मोदी और इस पुजारी के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर के पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिसमें पुजारी ने पीएम मोदी से अपनी परेशानी शेयर कर दी। पीएम मोदी ने भी मंदिर के पुजारी की मुराद चंद मिनटों में ही पूरी कर दी। पीएम मोदी ने पुजारी की शिकायत सुनने के बाद तुरंत किसी को आवाज लगाई और फिर पुजारी की परेशानी को हल करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता आते हैं, उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री इशारे में कुछ निर्देश देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी क्या समस्या बताई, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने पुजारी से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। पंडित जी बताते हैं कि वे श्रावस्ती जिले के रहने वाले हैं। और फिर पीएम मोदी ने पूछा कि बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान था। श्रावस्ती वाले सांसद के पास दो बार गया, लेकिन कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया। इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को बुलाया और कहा कि आदेश जी, देखिए पंडित जी का जो भी प्रोसीजर है कराइए। पीएम मोदी के इस निर्देश के बाद पंडित जी भावुक होते हुए भी नजर आए। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।